災よ。オムカリショル。शिरडी के लोग सो रहे हैं। एक बार मैंने उन्हें नींद से जगाने की कोशिश की थी, एक कोशिश आप भी करके देख लीजिए। मैं समझ गया साईं, आपने मुझे यहां क्यों रोका? परी को चित्र बनाने को कहना, ये सब आपकी लीला थी कि मैं गांव वालों को सच बता सकूं, इन्हें बर्बाद होने से रोक सकूं। रुक जाइए आप लोग। सब लोग पहले मेरी बात सुनो। क्या हुआ काका? गोविंदा, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जिस मधुसूदन को तुम अपना मसीहा समझ रहे हो वो एक धोखेबाज है। ये नहीं हो सकता। ये पहले भी कई बार हो चुका है। पिछले साल हमारे गांव धुलिया में यही आदमी ओमकारेश्वर नाम से आया था और एक ही महीने में इसने सारे गांव के लोगों का भरोसा जीत लिया और गांव वालों ने उसकी योजना में अपनी सारी पूंजी लगा दी और मैंने खुद 5,000 रुपए लगाए थे, लेकिन एक महीना भी नहीं बीत पाया और ओमकारेश्वर सबके पैसे लेकर भाग गया। नहीं काका, मधु काका तो खानदानी रईस है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो धुलिया गांव के किसी भी निवासी को बुलाकर पूछ लो। और सिर्फ धुलिया ही नहीं, जब यही घटना मैंने नाना साहेब चांदोरकर को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की वारदातें बंबई से लेकर नासिक तक कई जगह हो चुकी हैं। परी का बनाया चित्र देखा है मैंने, पर वो शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकता। ये तो मधुसूदन जी है। मधुसूदन काका? काका ये नहीं हो सकता। काका आप एक बार चल के मधुसूदन काका से मिलिए तो सही, आपको यकीन आ जाएगा कि आप किसी और की बात कर रहे हैं। चलो लेके चलो मुझे। मामला हमारे पैसों का है, हम भी चलेंगे। हम सब चलेंगे। चलिए चलिए। मैंने बहुत कोशिश की सही, मगर ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है। अब आप ही उन्हें रोकिए, आप ही में वो शक्ति है। वो रुकेगा जब उसका जमीर जागेगा। हम सिर्फ उसके जमीर को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। पर साई तब तक बहुत देर हो जाएगी। देर नहीं, सब कुछ सही समय पर होता है राम जी के दरबार में। तो मैं क्या करूं साईं? आओ। Thank you.
गोविंदा, ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरा बच्चा गौतम अकेला है। गौतम, भाई और गौतम तो घर पर ही थे, फिर ये ताला कैसे? कहाँ गए होंगे? गौतम, गौतम, भाई! ऐसा ही दृश्य हम दुनिया वालों ने देखा था। चलो दरवाजा तोड़ के देखते हैं। हाँ, तोड़ देते हैं दरवाजा। चलो, चलो। पूरा घर तो खाली है। चलो अंदर देखो। देखो, मैंने एक फैसला किया है, हम कल ही शिरडी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अचानक क्यों? कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना? नहीं आई, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। कल कुछ और लोग पैसे लेकर आ रहे हैं, बस हम तब तक ही रुकेंगे। हमें शिरडी से जितना पैसा कमाना था कमा चुके हैं, अब यहां रुककर कोई फायदा नहीं। घर में कुछ नहीं है, पूरा घर खाली है। वो चोर सारा सामान लेके भाग गया। हटिए सब, हटिए। साई, साई, ये मेरे बेटे गौतम को लेकर शिवर छोड़कर चले गए। शांत हो जाओ पद्मिनी, शांत हो जाओ। साईं, हमारे पैसे मधुसूदन ले गया।
पैसों से मुझे अपने घर की कीमत चुकानी थी। मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर चला जाएगा साईं, मेरा घर चला जाएगा। गौतम, मेरा बच्चा कम से कम तेरा बेटा तेरे पति के साथ तो है। हमारी मेहनत की कमाई से उसका पेट तो भर पाएगा, और मेरे बच्चों का क्या? मेरे बच्चों के मुंह में से तो निवाला छीन लिया है तुम्हारे पति ने। आप क्या करोगे? देखा तुम्हारे पति ने क्या किया? हमारे तीन बच्चे हैं, तुम्हारे पति की वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारा पति धोखेबाज है, फिर भी तुमने हमें नहीं बताया। तुम भी उतने ही दोषी हो। माई, एक यही तो है जिसने मधुसूदन को रोकने की कोशिश की, और मधुसूदन ने उसकी सजा इसे ऐसी दी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी दांव पे लगा दी, मैं तो बर्बाद हो गया, पापा से तो बर्बाद हो गया, बाबा मैं तो बर्बाद हो गया। जो लालच में खोया है वो संयम से आएगा। छोटी मालकिन, वो मधुसूदन है ना, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। आपके पैसे लेकर भाग गया? जल्दी, मेरा मतलब है आपने तो कल ही उसे पैसे दिए थे ना, फिर कैसे लेकर भाग गया? अब मुझे क्या पता वो कैसे भाग गया, जाओ ढूंढो उसे। छोटी मालकिन, अब तक तो वो शिरडी से बहुत दूर जा चुका होगा, कैसे ढूंढू उसे? छोटी मालकिन, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि ऐसा मत कीजिए, पर उल्टा आपने मुझे ही डांट दिया। छोटी मालकिन, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब कुलकर्णी सरकार को यह पता चलेगा कि आपने उनके पैसे लुटा दिए तो आपका क्या होगा? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं बहू हूं उनकी। छोटी मालकिन, आप नहीं जानती कि सरकार पैसे के लिए अपना पराया कुछ नहीं देखते। आपको शायद पता नहीं है, एक बार बड़ी मालकिन ने एक भिखारी को 10 रुपए दान किए थे। सरकार ने उन्हें उस बात के लिए पूरे 10 दिन नौकरों की कोठरी में बंद किया था, और वो भी भूखे, और आपने तो उनके पूरे 10,000 रुपए लुटा दिए हैं। सोचिए वो आपके साथ क्या करेंगे।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पैसे वापस लाऊंगी, चाहे वो चोर मधुसूदन कहीं भी छुपा हो। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह कहीं दूर निकल जाएंगे। सुन भाई, को छोड़ के आना जरूरी था क्या? मैंने उसे नहीं, उसने मुझे छोड़ा है। पद्मनी कभी मुझे समझ ही नहीं पाई जब मैं वापस घर गया था तो। रुको, पद्मनी कहाँ है? मैं बाजार से आ रही थी तो मैंने उन्हें उस खंडर के पास जाते हुए देखा। खंडर? मतलब द्वारका माई? मैं तभी समझ गया था उस साईं के पास गई, मतलब उस साईं को मेरे फैसले के बारे में सब कुछ बता चुकी है। अगर हम सही वक्त पर शिरडी छोड़ के नहीं जाते तो अब तक लोग हमें नोच नोच के खा चुके होते। पद्मनी के लिए नहीं रुक सकते थे हम। वो सोचिए, वो सच बता के बच जाएगी, लेकिन हम नहीं बचते। साईं, आप तब से धुनी में क्या देख रहे हैं? आग फैल रही है, दुख की आग, क्रोध की अग्नि। सोचना चाहिए मेरे नजरिए से। हर इंसान के हिसाब से नैतिकता अनैतिकता की संकल्पना बदलती रहती है। तो सुन भाई, वापस कभी नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अगर वो मेरे रास्ते पर चलेगी तो मेरे घर में, मेरे जीवन में उसका स्वागत है। लेकिन अगर वो मेरा समर्थन नहीं करेगी तो मेरे जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। गौतम को क्या कहेंगे? आज जैसे तैसे मैंने उसको समझा दिया है, कल फिर वो अपने आई के बारे में पूछेगा। जब उसे पता चलेगा उसकी आई शिरडी में है और वो यहाँ, गौतम समझ जाएगा। वैसे भी उसे सबसे ज्यादा मैं पसंद हूँ। बेटा, भले वो तुम पे जान छिड़कता हो लेकिन वो अपने आई के बगैर नहीं रह सकता। उसे तुम दोनों की जरूरत है। नहीं, उसके लिए मैं काफी हूं। वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं पद्मनी के बगैर रहने की आदत डलवा दूंगा और कुछ समय में वो पद्मनी को भूल ही जाएगा।
आपका बेटा हमारे पैसे लेकर भागा है, हम गोविंदा को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा घर तबाह होगा तो आपका भी होगा, हम इस घर को आग लगा देंगे। हाँ, 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 हाँ,